वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ तिल के लड्डू। सर्दियों के लिए तिल बहुत मुफीद है क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है। तिल में प्रोटीन, विटामिन बी, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, सो ये बहुत हेल्दी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तिल मैंने 1 कप लिया है, मूँगफली 1/4 कप और कोकोनट मैंने 1/2 कप लिया है। गुड़ 1 कप लिया है। अब एक एक करके इन सबको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके हम सबको पीस लेंगे मिक्सर में। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो ये कड़वाहट आ जाती है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से तिल हम अलग रख लेंगे। मूँगफली को भी मिक्सर में डालकर हम पीस लेंगे छिलके हटाने के बाद। गुड़ को मैंने मेल्ट करके ले लिया है एक बाउल में। अब इसमें हम अपनी तिल पीसी हुई डालेंगे। मूंगफली डालेंगे, मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, और नारियल डाल देंगे। थोड़े से तिल जो साबुत हमने रखे थे वो भी ऐड कर देंगे इस टाइम पर। और सबको हम थोड़ा घी डाल डालकर मिक्स करेंगे। इतना घी डालेंगे ताकि वो मुट्ठी बन जाए और लड्डू हमारे आराम से तैयार हो सके। हाथों को ग्रीस कर लेंगे घी से और इस तरह से हम लड्डू को बांध लेंगे। देखिए कितनी आसानी से और बहुत झटपट बन जाता है ये लड्डू। बहुत अच्छे से और बहुत आराम से बंध जाते हैं लड्डू। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, सर्दियों में तो हमें ज़रूर खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।